गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह 4 बजे उठा, वीडियो एडिट किया, अपलोड किया और अभी रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। पूरा बदन काम नहीं कर रहा है बट फिर भी जाना पड़ेगा ना। अगर एक दिन मिस कर दिया तो फिर से डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो है मेरा जो शरीर है वो बिगड़ सकता है ना, तो इससे अच्छा हम जाते हैं, जो बदन दर्द है वो सब भाग जाएगा। अरे गाबुच्चे तू भी उठ गया? गाबुच्चे को बांध के रख के जाना पड़ेगा वरना मेरे पीछे पीछे भागेगा ये। तो अभी जाते हैं और आज कुछ स्पेशल है गाइस, आज है हमारी जेरी का बर्थडे, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं हो पाएगा, पहले ही बता चुका हूँ गाइस। तो छोटा मोटा घर परिवार वाले हम लोग मिल के छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जिम जाता हूँ, वहाँ से आने के बाद सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो पम्पम जी है उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया है, आज जो है गाड़ी पे जाएंगे बोल रहे हैं, बाइक को यहीं पे छोड़ के जाना है। ओए बदन दर्द हो गया, आज कैसा करेगा यार? मैं तो नहीं सुनूंगा, तू तो थक जाएगा, तू थोड़ा तगड़ा है। मैं तो नहीं यार, पूरा आज करना मुश्किल है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं बट कोशिश करूंगा। अभी तो हम लोग का लेग का शुरू हुआ ही नहीं है, जब लेग का आएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी चलो, टाइम हो गया। पहुंच गए हम लोग अपने स्कूल में दोस्तों, और आते देखो कितने सारे दोस्त मिल गए। दोस्त वाओ वाओ, अरे इसके आंखें कैसे है यार, ओए तू तो बहुत एनर्जेटिक है यार, जिम करेगा? ओए झगड़ा मत करो एक दूसरे से, कौन झगड़ा यार। चलो तो अभी हम जो है पहुंचे हुए, काफी देर हो चुका है, पूरा वार्म अप राउंड चल रहा है अपना। और यहाँ पे पम्पम देखो, ओए हाइट छोटा होने का वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा था अभी। और वहाँ पे देखो मोटा पेट वाला, वहाँ पे यहाँ पे सब बॉडी बिल्डर लोग है गाइस। वाह ये देखिए गाइस, कुछ दिन के बाद हम लोग का भी ऐसा हो जाएगा गाइस। करो करो। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आज बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें किया है, स्पेशली फ्लैंक्स बहुत मजेदार लगा। तो अभी जाएंगे जेरी के लिए केक भी उधर देना है, उसका बर्थडे भी है ना आज, तो इसलिए छोटा मोटा सा। चलो ये समीर भैया से बात कर रहे हैं दूध दूध ऑर्डर देने के लिए, अभी जिम कर रहे तो दूध दूध चाहिए होगा ना। अभी सबसे पहले केक ऑर्डर देंगे। और मेरा चैनल का स्ट्राइक हट गया क्या? ईमेल कुछ आया? अभी मैं लाइव देखे कोशिश करूंगा होता है कि नहीं होता है। भूख भी लग रहा है आजकल, भूख बहुत लगता है जिम जब से आया हूँ ना। चलो अरे खोलो भाई, हाँ खुला हुआ है। चलो हम लोग गए थे जेरी के लिए केक ऑर्डर देने के लिए, लेकिन अभी बंद है दुकान, तो बाद में जाके मैं ऑर्डर दे के आऊँगा। और जो है गुड न्यूज गाइस, गुड न्यूज, जेरी के बर्थडे पे मुझे एकदम सुंदर सा तोहफा मिल गया, मेरा चैनल वापस आ चुका है भाई साहब, एकदम सरप्राइज। और मैंने लाइव भी दिया, आप लोगों ने देखा होगा कल, भाई मजा आ गया यार। जेरी का बर्थडे भी है, जेरी का बर्थडे है लेकिन गिफ्ट मुझे मिल गया भाई, क्या ही बात है यार, एकदम लकी है। तो जेरी के लिए बाद में केक ऑर्डर देने के लिए जाऊंगा, तो ज्यादा हम लोग पहले जैसा सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे अभी ड्यू टू द सिचुएशंस गाइस, आप लोग समझ सकते होंगे। तो बस छोटा सा केक कटेंगे, इसको बुलाएंगे लेकिन इसे केक खाने नहीं देंगे क्योंकि इसको वेट लूज करना है, तो मैं खाऊंगा इसके सामने में थूस थूस के केक, बेचारे को खाने नहीं मिलेगा। इसको हम लोग वो खिलाएंगे, एक एप्पल देंगे और बस, और पानी बोतल एक, बस उसी से इसका हो जाएगा। तो अभी जाएंगे इसका, हम लोग रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं गाइस, अभी मेरा ब्लैक पैंथर लेके जाऊंगा, भूख लग रहा है बहुत जोर से, आजकल जब से जिम करने लगा हूं बहुत भूख लगता है यार, तो ठीक से दबा के खाऊंगा घर जाके, दही अंडा संडा जाएगा जाएगा, मतलब हम लोग का लैंग्वेज में संडा का तो बहुत गलत मीनिंग है यार। अभी घर पहुंच चुका हूँ दोस्तों, भूख लग रहा है बहुत जोर से, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद जो भी खाना है वर्कआउट में जो भी खाने के लिए सजेस्ट किया गया है मुझे वो खाऊंगा। अभी मम्मी जो है सबसे पहले भगवान को खाना चढ़ाएगी, हम लोग का नियम है सबसे पहले भगवान को खाना चढ़ाते हैं उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे मैं अंडे बॉयल कर रहा 5 तू, तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अंडे 5 तू बॉयल वाला खाऊंगा, हाफ बॉयल। आज का ब्रेकफास्ट में दाल है और ये बैंगन और आलू का मिक्स सब्जी बनाया है, और दीदी भी अभी खाना निकाल रही है, सभी लोग खाएंगे। दीदी का तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको फार्मेसी में जाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो अभी खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे भी जो है जाना पड़ेगा गुना नगर की तरफ। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है तो अभी जो है अंडा भी खा लिया मैंने, उसके बाद अभी दही, ये देखिए एकदम बढ़िया से जम चुका है, और दही पे मैं चीनी मिला के ही खाऊंगा क्योंकि मुझे जो है जिम ट्रेनर ने भी बोला है, जो मतलब वेट कम करने के लिए कोशिश करते हैं उनको मतलब स्वीट जो है अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन मुझे वेट गेन करना है तो मैं खा सकता हूँ स्वीट, हर चीज़ में जो कुछ भी आ जाए सब खा सकता हूँ, बस खाना है मुझे, दिन भर खाते रहना है। एक ही दिन में 1 किलो भर गया मैं। इतना खाया
हाँ अभी खाऊंगा फिर से, लेकिन ज्यादा भी नहीं देना है, कम कम चीनी देके। ओरे बाप रे, देखना इतना प्योर है ना। हाँ। पूरा मजा है, बढ़िया। पूरा वाइट है, वाह। ओरे बाप रे, इतना मजा दही, वाह। पूरा बढ़िया वाइट। हाँ। दो रात हो गया ना। हाँ, पूरा प्योर। हाँ, दो रात ये पी के तो पूरा बॉडी बिल्डर बनूंगा मैं। पूरा दही भाई मैंने पूरा खा लिया दोस्तों। खाने के बाद पूरा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भांजी भांजा लोग आए हैं और उन्हें हॉर्लिक्स पिला रहा है जेरी, और यहाँ पे बैठ के खा रही है ये भी। और गाबू जी मैंने खा लिया। हाँ अरे गाबू जी देख 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 देख, डर रहा है अंदर आने के लिए, डर रहा है। तेरा पाव पूरा गंदा है, तू बारिश में कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है। अभी मैं जाऊंगा गुना नगर जेरी का केक लेने के लिए, और तब तक मैं थोड़ा सा आधे घंटा या एक घंटा तक जितना देर भी हो सके मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। अपना चैनल वापस आ चुका है तो लाइव आना तो बनता है ना। ठीक हाँ। है, मैं केक लेके आता हूँ। केक और मटन, बस कुछ और एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है ना। हाँ। केक खाएंगे बस, प्रियंका आएगी और ये अपना पोमपोम आएगा और भैया का मान भी लोग, वो लोग आएंगे। बाकी कुछ तो है नहीं क्योंकि उतना बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं है। मौसम भी ऐसा है कि पूरा एकदम मन ही नहीं लग रहा है, और मैं तो हिल दुल भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, भी तो काम कर नहीं सकेंगे ना। हाँ हाँ, इसलिए तो कोई भी घर में काम, दीदी का भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का भी इतना ठीक नहीं रहता है, तो अगर ज़्यादा लोग को बुलाएंगे तो मतलब ये काम करना, खाना पकाना वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग छोटा सा फैमिली के साथ, वैसे भी और भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है अपना अपना जो कि हम बताना नहीं चाहते, बट अब हम लोग आज छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे ना। सेलिब्रेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस दिल से करना चाहिए, है ना। चलो गाँव जी कहाँ गया, नहीं तो मेरा पीछा करेगा फिर वो, उसको बांध के नहीं रखने से। चलो मैं जाता हूँ। ये देखो हमारा महाशय कहाँ घूमने गया था। आओ तुझे बांध के रखना पड़ेगा वरना मेरा पीछा करेगा। आओ आओ घर पे, चलो चलो चलो, आओ आजा आजा। अभी गुना नगर पहुंच के पूरा एक घंटा तक मैंने लाइव किया, पूरा गला सूख गया मेरा। अभी पानी पीना पड़ेगा मुझे 1 लीटर पूरा। हमेशा हाइड्रेटेड रहना है जिम पे, जब से जा रहा हूँ ना जिम ट्रेनर बोलते हैं हमेशा हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो। मजा आ गया लाइव करके एक घंटा तक। पहली बार इतना लंबा लिख गया। तुम भी जाओ जिम कल से, मेरा तो रोजा चल रहा है ना, खाली पेट और दिमाग की। नहीं नहीं, तुम तो वेट कम करना है ना, वेट कम करके एक्सरसाइज करके पानी प्यास लगेगा ना। अच्छा पानी प्यास लगेगा ना। हाँ पानी तो पीना पड़ता है। अभी आया था मैं यहाँ 2MB बेकरी में, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया था केक, कॉल करके जो है बार बार बोला था कि मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर चाहिए, लेकिन जो मालिक है, फ़ोन नंबर जो मैंने कॉल किया था, उसने जो है यहाँ का जो केक बनाने वाला है उसको बोला ही नहीं, बोलता है कि केक मतलब ऑर्डर। भाई ऐसा तो नहीं होना है भाई, हमने कॉल करके इतना बोला कि बर्थडे है तो केक चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होना है ना। ऐसा 2MB में मैंने ऑर्डर दिया था गाइस, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ 2MB। अगर देख रहा है मालिक तो मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं हुआ ना मेरे साथ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया था एंड देन ऑर्डर देने के बाद आप लोगों ने नहीं दिया, देन दिस इज़ नॉट गुड। तो मैं दूसरा जगह से अभी दूसरा फ्लेवर का देख रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, एकदम बेहतरीन टेस्ट लगता है, तो इसलिए पाइनएप्पल या फिर स्ट्रॉबेरी हमें चाहिए था, इसलिए मैंने कॉल करके ऑलरेडी बोला था, लेकिन इतना कॉल करने के बावजूद भी नहीं देना, दैट इज़ नॉट गुड, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे मुझे केक मिल चुका है गाइस, वेनिला ना। हाँ ठीक ठाक है ये। हाँ इसमें बस हैप्पी बर्थडे लिख देना है, बस हो जाएगा, उसके बाद यही लेके जाऊँगा अभी। चलो केक तो ले लिया गाइस, लेकिन 23 नहीं मिल रहा था, दो दुकान से जोड़कर 23 बनाना पड़ रहा है, तू यहाँ से और 3 उधर से। अभी केक भी ले लिया है एंड यहाँ पे जो है कैंडल भी ले लिया है, और मुझे जो है कुछ और लेना तो है नहीं है, और ज़्यादा जो है इनविटेशन किसी को हमने दिया नहीं है, बस फैमिली वाले हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा दुख भी लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसा है। तो मैं मटन ढूंढ रहा था घर वाले खाने के लिए, लेकिन मटन भी नहीं मिला मुझे, तो अभी पता नहीं क्या लेंगे, अभी देखते हैं। कुछ चिकन विकन भी खाने का मन नहीं करता है, ब्रॉयलर वो सब ना, तो देखते हैं अगर मटन मिलता है तो फिर से ढूंढूंगा मैं, कहीं पर अगर होगा तो ले लेंगे। तो अभी जो है केक वगैरह लेके मैं जा रहा था घर, दीदी का कॉल आया, उसने जो दवाई वगैरह लेके गया था उसमें पूरा एलर्जी हो गया बोला है, इसलिए दवाई चेंज करने के लिए बोला है, तो मैं दवाई लेके जा रहा हूँ उसके लिए। और मटन वतन कहीं पे मिला नहीं मुझे, तो देखते हैं मछली वछली लेके जाऊँगा क्या। तो यहाँ से मछली ले जाने के लिए बोला है जेरी ने, तो मछली लेके जाऊँगा। कितना होगा वो, 1 किलो से ज़्यादा है। अच्छा अभी घर पहुँच चुका हूँ। ओए तू खाएगा क्या। हाँ मछली का गन मिला इसे, पूरा खाने के लिए ढूंढ रहा है, देखो
ये केक बर्थडे गर्ल, ये वेनिला वेनिला फ्लेवर, और ये मछली। इसको पकाना क्या में पकाएगा, पत्ते में? नहीं, इसको हम मेरा चैनल पर मिल जाएगा थोड़ा अलग से। अच्छा चलो, भूख लग रहा है मुझे। आजकल जिम जब से करने लगा हूँ बहुत भूख लगता है। अभी खाना बनाना है, मेरा माता चक्कर दे रहा है। हम नहीं, हम अंडा बॉईल करके खा लेगा। अभी यहाँ पे देखो, नारी शक्ति पूरा लेक्चर मार रहे हैं। कहीं पे भी जाए सिर्फ नारी शक्ति, घर पे तो लड़का सिर्फ गाबुज्जे में लोग की है, सिर्फ जानवर लोग मिला के मैं इंसान गाबुज्जे। ओ अंडे बॉयल हो रहे हैं ना, मेरे लिए पक गए ना। हाँ हो गया, हाफ बॉयल बोला था, ये तो फुल बॉयल हो गया। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है, डिनर बना रहे हैं प्रियंका जेरी, और यहाँ पे नंदू और मानवी भी आ चुके हैं। मानवी बर्थडे खाएगा, केक खाएगी। अच्छा, और आँख में क्या हो गया? एलर्जी हो गया। अच्छा तो घर पे तो हम कोई भी नहीं है भाई, मतलब कोई भी मेहमान दूसरा आया नहीं है, बस प्रियंका है, नंदू है, पोम पोम भी पता नहीं कब आएगा, दीदी है और मम्मी है, मम्मी भी अंदर पे है, तो बस यही छोटा सा उसे बर्थडे पार्टी बोल के नहीं है, जस्ट नियम हर साल करना बनता है ना अपना लव वंस के लिए, साल में एक एक दिन ना। पिछला साल भी बेचारे का हॉस्पिटल में ही चला गया हम लोग, पूरा मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे मैं दर्द से चिल्ला रहा था, इसका बर्थडे था, बर्थडे पे हम लोग रो रो के रहे, तो आज थोड़ा सा मौका मिला है तो छोटी मोटी खुशियाँ परिवार के साथ ना, तो वही करेंगे। अब यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, मछली जो लाया था वो पकाएंगे और सब लोग मिल के खाना वाना खाएंगे। सबसे पहले केक कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा केक खाएंगे, उसका खाना खाएंगे ना। अभी गाइस केक कटिंग करेंगे, खाना वाना भी रेडी हो चुका है, दीदी को तो भूख लग रहा है, उसे भी ये थोड़ा सा अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खा रही है पहले पहले। अभी काटेंगे पोम पोम, हाँ पोम पोम भी नहीं आएगा बोला है, खराब हो गया क्या? नहीं इतना क्यूट है बाप, क्यूट है बहुत क्यूट लग रहा है ये देखो, और तेरा नाम पूरा चेंज कर दिया, जेरी ही लिख दिया इसमें, तेरा असली नाम नहीं लिखा, मेरा असली नाम गायब कर दिया, वैसे गायब कर दिया, मेरा ऊपर में मैचिंग होता है, है। तेरा पुनर्जन्म हो गया है, हो गया। ओ, इतना सुंदर लग, केक भी व्हाइट, तुम भी व्हाइट ड्रेस में पूरा सुंदर लग रहा है। सच में, चलो एक फोटो खींचो। गाइस एक्चुअली इतना एक्साइटमेंट में हम लोग जो है कैंडल जलाना ही भूल जाता है, अरे काट रहा था जेरी केक को, देखो ना कैसा है। तो अभी जेरी का एज भी रिवील हो जाएगा इसमें। चलो चलो जलाओ, हैप्पी बुस्कॉन दे, हैप्पी बुस्कॉन जल्दी करना है, फिर उसके बाद जो है डिनर करना है। अभी आएगा ना, अभी मजा आएगा ना, मेरे बच्चे के तरह जैसे जलाया वैसे अभी फूक मारने का मन कर रहा है। अच्छा तो गाइस अभी जेरी का बर्थडे, 23 बर्थडे, 23rd बर्थडे, जो पिछला साल का बर्थडे था वो काफी सैड था हम लोग का ना, और वो भी हम लोग जो है एक वाटरमेलन से मनाया था, याद है अभी भी? उस टाइम पे पूरा सभी दुखी थे, बहुत सभी दुखी थे, मैं पेन से चिल्ला रहा था, रात को रो रहा था, उस टाइम पे मनाया, तो इन्होंने मेरा साथ दिया है पूरा, हर वक्त में, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, तो ये जो है मेरे लिए एकदम परी है, लक्ष्मी है, जब से ये आई है मेरे जीवन में पूरा तरक्की ही तरक्की, सक्सेस आया है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, रूपम तूने इतना जल्दी शादी क्यों किया, तो मैं जल्दी अगर शादी नहीं करता, इससे अगर नहीं मिलता, मैं लाइफ में इतना सक्सेस कभी हो ही नहीं पाता। अब तक मैं शायद 20-30 हज़ार का कोई नौकरी या फिर कहीं पे कंपनी में जॉब वगैरह कर रहा होता, लेकिन यहाँ आज जितना लोगों का प्यार मिल रहा है, जितना गाँव में रेस्पेक्ट मिला, उतना रेस्पेक्ट मुझे कभी नहीं मिलता अगर मैं इनसे नहीं मिलता, तो इसका सारा जो क्रेडिट है इसको जाता है। तो अभी जो है मम्मी, अरे आ जाओ खड़ा हो जाओ, चलो दीदी आ जाओ, केक कटिंग होगा, केक कटिंग होगा। तो आज जो है 23 साल की हो चुकी है जेरी, और माँ भी बनने वाली है और 2 महीने में, तो हम जो है बहुत ही ज्यादा खुश है, और मेरा चैनल भी वापस आ चुका है आज इसके बर्थडे के मौके पे, तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं आज। लेकिन दुख हल्का सा इस बात का है कि हम लोग अच्छे से मना नहीं पा रहे हैं थोड़ा ग्रांड तरीके से, बट कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा आ जाएगा उस टाइम पे, हाँ थोड़ा ग्रांड तरीके से हम लोग मनाएंगे। तो अभी पूरा मुंबट्टी गल रहा है, अभी फूक मारो, हैप्पी बर्थडे करते हैं, चलो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ को छोड़ो, हाथ को छोड़ो, हैप्पी बर्थडे, चलो सबसे पहले मम्मी को खिला दो, नहीं तुम खाओ ना सबसे पहले, ठीक है। ये जो है हर साल में मेरा बर्थडे मनाता है, ये मना देता है, लो खाओ थोड़ा सा।
ये लो पूरा खा लो पूरा खा लो। अभी मम्मी को खिलाती हूँ, ये लो मम्मी। अरे दीदी कहाँ गई, आ जाओ चलो आ जाओ, खाते हैं हम लोग का कैमरामैन को। दीदी दीदी का जो बीमार हुआ है उसका वजह खा पाएगी कि नहीं पाएगी पता नहीं। इसलिए दीदी जो है नहीं आ पा रही है गाइस, उसको बीमार हुआ है इसलिए वो खा नहीं पाएगी। कैमरामैन को, कैमरा वुमन लाओ अभी, हमारा कैमरा गर्ल ये रही। पूरा डाल लिया मुंह में तो हाँ, छोटे छोटे करके सब लोग खाएंगे और भैया भाभी के लिए भी सेंड करना है ना, मानवी के फैमिली के लिए। अभी केक कटिंग भी हो चुका है, बच्चे को दे देंगे। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा दे दूंगी हाँ हाँ अभी के लिए, फिर उसके बाद जो है हमें डिनर करना पड़ेगा। हाँ हाँ डिनर करना पड़ेगा, प्रियंका का फैमिली को भी थोड़ा सा थोड़ा, और भाभी लोगों को भी, भैया भाभी को। मैं तो ज्यादा नहीं खाऊंगा, उतना खाने का मन भी नहीं है केक वगैरह ना, उसमें ना फ्लावर में पूरा मोमबत्ती गिर गया, इसको थोड़ा सा फेंकना पड़ेगा क्या इस साइड में। हाँ गिरा है, अच्छा हुआ में भी गिरा है। चलो निकालो, खाते हैं। 23 बच्चे लोग खाएंगे। नंदू केक खाएगी, मानवी खाएगी। मानवी तो जब आई थी उस टाइम पे बोल रही थी जेरी मामा का बर्थडे खाने आया है। और अभी जो है मंजिता नहीं है, तो मंजिता होती तो वो भी पूरा केक खाने के लिए पूरा वो भी एक्साइटेड होती, और वो आएगी 21 को आएगी, तो 21 को घर पहुंच जाएगी, मैं लेने जाऊंगा उसे। प्लेट कहां गया, प्लेट निकाल के खाते हैं, तुम भी खाओ और हमारा फ्यूचर बच्चे को भी, आने वाला बच्चे को भी खिलाओ अंडर में डबल डबल खा के। बहुत टेस्टी है यार। आज मैं लकी हूँ, केक जो ऑर्डर दिया था वो वाला तो फेल हो चुका है। वो नहीं मिला, उसको मैंने बोला है कि दूसरा वाला दुकान पे देखो शायद मिल भी सकता है। इस पे नहीं मिलने से तो तेरा बर्थडे फेल हो जाना था। मुझे बहुत दुख लगा, मैं ऑर्डर दिया फिर भी नहीं दिया वो दुकान वाले ने, फिर भी लकी हूँ केक हाँ। इतना बढ़िया है, लास्ट टेस्टी वाला मिला है ना, लास्ट होने से भी बहुत बढ़िया है केक। हाँ नंदू टेस्टी है, खाओ मन भी टेस्टी लग रहा है, खाओ। तो अभी खाते हैं गाइस, वाओ पूरा नोबो, तुम खा लो। गाबुजी को भी देंगे, गाबुजी वैसे कुत्ता लोगों को उतना देना नहीं चाहिए लेकिन बर्थडे है, हल्का सा खिलाएंगे गाबुजी को। गाबुजी का 14 सितंबर को है बर्थडे। गाबुजी लो केक खाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा खाना ठीक नहीं है डॉग के लिए, डॉग के लिए केक इज नॉट गुड, खाओ। अभी डिनर निकाल दिया है दोस्तों, केक कटिंग वगैरह होने के बाद अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो आज डिनर में बहुत सारी सब्जियां, मिक्स सब्जी है, मछली है, यहाँ पे साग, दो प्रकार के साग है, मजा ही आ रहा है आज तो। ये देखो छोटा सा फैमिली है बस। मेहमान दो, तीन मेहमान आज, तीन मेहमान, और इतने सारे लोग है यहाँ पे, इतने मेहमान है, और अकेला जो मर्द है सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब लेडीज, वो जेंटलमैन ओनली वन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लड़की है। बाप रे बाबा, मेरे को तो संभाल के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मार कुटाई कर देंगे। तो अभी खाते हैं गाइस, आज का हैप्पी फैमिली वाला डिनर गाइस। खाना वाना भी खा लिया दोस्तों, थोड़ा देर तक रेस्ट किया। अभी प्रियंका और नंदू को जो है छोड़ के आना पड़ेगा, काफी रात हो चुकी है ना, तो ये लोग पैदल जाएंगे बोल रहे हैं, तो जेरी जो है बोल रहे कि पैदल मत छोड़ो ये लोग को, बाइक में जाके छोड़ के आ जाओ गाबुजी, है ना। प्रियंका और नंदू को जो है घर पे छोड़ के आ गया मैं, और गाबुजी को देखो आधे रास्ते से मुझे लेने गया था, पूरा भैया के घर के पास वहां तक मुझे पूरा लेने जाता है, ये आवाज सुनते ही पहचान जाता है मेरा बाइक का। उसको मैंने बांध के रखा था इसे पकड़ के घर का अंदर पे, जब ये लोग जा रहा था नहीं तो ये भी जाता। पूरा मेरा पीछे पीछे भागता है ना। तो आज का दिन जो है बहुत अच्छा रहा दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली हमारी मैम साहब का आज बर्थडे भी है, और तुम इतना लकी है मेरे लिए, पूरा ये आसी के दिन में, मतलब तेरा बर्थडे के दिन पे जो है मेरा चैनल भी वापस आ गया, पूरा मजा ही मजा ना। हाँ, तो बट एक दुख की बात है कि अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए ना, जरूर भी नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर जो है भगवान अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भगवान का आशीर्वाद से तो हम लोग जो है जरूर पूरा बड़ा करके जो है सेलिब्रेट करेंगे। जब मैं यहाँ पे आई थी पहला टाइम पे 2000
20 को ना आए थे, हाँ 20 को आए थे को, हाँ. तो उस टाइम जो है पहला बर्थडे इन्होंने मना दिया था, क्योंकि मैं अपने जब पिताजी का घर पे जिंदगी में कभी बर्थडे नहीं मनाया था मैंने. तो 2020 को इन्होंने जो है मेरा कौन सा वो बर्थडे मनाया था, भूल गया वो. तो अभी तीन बार हो चुका है, ब्लॉग है अभी इसी चैनल पे, उस टाइम पे बनाया था. तीन बार हो चुका है ये, जो जब से मिला है पूरा मेरा बर्थडे साल भर मना देता है. तो बड़ा होकर नहीं, बस ऐसे छोटे मोटे होकर केक को, उस टाइम पे जब नया नया आए थे उस टाइम पे पूरा पैसों की थोड़ा कमी था. तो अभी तो आप लोग का प्यार की वजह से थोड़ा सा अच्छा खासा कमा पा रहे हैं, तो उसके वजह से फिर भी आज जो है सभी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो है हमने वो सोच समझ के इतना बड़ा वाला पार्टी नहीं किया है. तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे ना. हाँ. सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो आने वाला है हम लोग का. तो गाइस ऐसे ही खुशी से रहना है पूरे परिवार वाले ना, छोटा फैमिली हो, छोटी मोटी खुशियां मिल बात के ना. तो आप लोग भी ट्राई करना खुश रहने का, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही जरूरी हो, पैसा जरूरी होता है बट कभी कभी बिना पैसों का भी खुश रहने का कोशिश करना चाहिए हमें ना. लाइफ एक बार मिलता है हमें, और किसी को हेट मत फैलाओ, हमेशा खुशियां ही खुशियां बातें सबके साथ. तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस. आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग को अपलोड कर पा रहा हूँ. इससे पहले मेरा चैनल जो है स्ट्राइक पे था. तो आप लोग का प्यार चाहिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज को, थोड़ा रीच बढ़ाइए, क्योंकि अभी रीच बहुत डाउन हो चुका है मेरा जो चैनल का है ना. तो आप लोग का ऊपर में, आप लोग नीचे गिरा भी सकते हो, ऊपर भी उठा सकते हो, सब आपके हाथ में है. तो बाय बाय गाइस.